Hey guys, this is Karan and you are watching GadgetsE. So friends, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे TRP के बारे में. So TRP जो वर्ड है, ये टेलीविजन जो वर्ल्ड है उसमें बहुत यूज किया जाता है. So ये TRP होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसको कौन कैलकुलेट करता है, सो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अनबॉक्सिंग रिव्यूज, टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड सारी न्यूज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल GadgetsE को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि टीआरपी होता क्या है. टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, और आप कह सकते हैं इसको टारगेटिंग रेटिंग पॉइंट्स. सो ये बेसिकली ये पता लगाने का काम आता है कि इतने सारे जो टीवी चैनल्स हैं हमारे, उनमें से सबसे पॉपुलर चैनल कौन सा है और सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल है जो कि ऑडियंस देखना पसंद करती है. सो टीआरपी ये पता लगाने के लिए काम आता है. फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं कि टीआरपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने सारे टीवी होंगे. सो कैसे पता लगेगा इतने सारे टीवी में से कि कौन सा चैनल लोग देख रहे हैं. सो इसके लिए क्या किया जाता है, एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम है पीपल्स मीटर. सो इसमें क्या किया जाता है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन सेलेक्ट की जाती है. तो उसमें जो 800 से 1000 घर होते हैं, सो उनके जो टेलीविजन सेट होते हैं उनमें ये पीपल्स मीटर डिवाइस को इंस्टॉल और अटैच किया जाता है. तो ये जो पीपल्स मीटर डिवाइस होता है, ये उनके चैनल, वो जो फैमिली देख रही है उस घर की उस टेलीविज़न पे, और कौन सा प्रोग्राम और किस टाइम पे देख रहे हैं, सो ये सब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो एक दिन का वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर महीने भर का उससे जो रिकॉर्ड होता है उस डिवाइस में, उनके जो चैनल की मॉनिटरिंग करता है जो डिवाइस, तो उससे क्या होता है वो एवरेज निकाला जाता है. उसके बाद एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से तो ये कलेक्ट हो जाता है डेटा, फिर दूसरी अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये जो डेटा है, अलग अलग 800 से 1000 घरों के डेटा को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से. सो इससे हमें मिल जाता है पूरा कुल मिला के नेशनल डेटा. सो इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन से चैनल की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और आप कह सकते हैं कौन से चैनल की व्यूअरशिप स्टेटस, मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाने वाले चैनल कौन से. फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं, इंडिया में एक एजेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंटैम. इंटैम का मतलब है इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट. सो ये ही जो एजेंसी है ये काम करती है टीआरपी के मेजरमेंट का. सो टीआरपी मेजरमेंट करने के लिए ये दो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, एक तो है फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग और दूसरा है पिक्चर मैचिंग टेक्निक. सो मैं सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग टेक्निक की. सो फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग टेक्निक में क्या होता है, ये जो पीपल्स मीटर डिवाइस जो मैंने बताया वो वैसे ही सिंपली इंस्टॉल किए जाते हैं टीवी सेट्स में अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के घरों में, और उसके बाद क्या करता है ये पीपल्स मीटर डिवाइस, उस टीवी पे जो पर्टिकुलर हाउस की टीवी पे जो चैनल चल रहा होता है उसकी फ्रिक्वेंसी को रीड और रिकॉर्ड करता है, और उस जो फ्रिक्वेंसी से उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चैनल नेम होता है उसको डिकोड किया जाता है, और उससे पता लगाया जाता है, और उसका जो चैनल नेम आता है उसको कंपेरिजन किया जाता है नेशनल डेटा जो पूरे अलग अलग लोकेशन से आता है. सो उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है. पर जो फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग टेक्निक है इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि ये कॉस्टली बहुत पड़ता है, इसका जो पीपल्स मीटर डिवाइस है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है. और इसके अलावा दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है, जैसे कि लोकल केबल प्रोवाइडर होते हैं तो वो घरों तक सिग्नल पहुंचाने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा फ्रिक्वेंट चेंज करते हैं फ्रिक्वेंसी में. तो फ्रिक्वेंट चेंज होने के बाद फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होती है उसमें चैनल का नाम पता लगाने में कि कौन सा चैनल बेसिकली उस टीवी पे देखा जा रहा है ज़्यादा. तो इस चीज़ का ड्रॉबैक है. सो ये कॉस्टली भी है, सो ये कम यूज़ किया जाता है इंडिया में. सो मैं उसके बाद दूसरी टेक्निक की बात करें तो उसका नाम है पिक्चर मैचिंग टेक्निक. सो पिक्चर मैचिंग टेक्निक में जो पीपल्स मीटर डिवाइसेस जो टीवी सेट्स में इंस्टॉल्ड है वो क्या करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पिक्चर को, वीडियो को जो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद वो कंपेयर किया जाता है एजेंसी के पास, जो इंटैम एजेंसी है उसके पास सारे चैनल्स का डेटा होता है, तो उससे कंपेयर किया जाता है कि, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्डिंग होती है उसके हिसाब से उसका चैनल का नाम पता लगाया जाता है कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जा रहा है. सो इस तरह से वो चैनल की पॉपुलैरिटी का पता लगा लेते हैं कि कौन सा चैनल
सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और नेशनल लेवल पे ये पता लग पाता है इस तरह से। सो यही था टीआरपी के बारे में सब कुछ। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा चैनल आप ज़्यादा देखते हैं अपने टेलीविजन सेट्स पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दिस इज करंट साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।